हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम की जहाँ तक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इफ़ ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने पहले करवाई हुई है, ठीक है, ऑफ डिग्री एन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन, वेयर एन इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो ना तो माइनस में होती है ना फ्रैक्शन में होती है, ठीक है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। इज़ डिवाइडेड बाय लोअर डिग्री पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, ये लोअर डिग्री वन की पॉलिनोमियल है। टिल नो टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, के रिमाइंडर में कोई भी टर्म ना बचे, देन एफ ऑफ ए इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, तो इसके प्रूफ से पहले ये एक रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है, डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेंड कोई भी रकम जो डिवाइड हो रही है इज़ इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है जी 6, ठीक है, 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 इज़ द डिवाइजर, 3 इज़ द क्वोशेंट एंड 0 इज़ द रिमाइंडर। तो देखें ज़रा इसके मुताबिक इसको लिखें, तो 6 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। अब 2 देखें, 2 डिवाइजर है, 3 क्वोशेंट है और 0 रिमाइंडर है, तो 6 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है जी, तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल से इसको क्लियर कर दिया। अभी ये रिज़ल्ट जो है वो थ्योरम के प्रूफ में यूज़ होगा। तो प्रूफ है जी, सपोज वी डिवाइड ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बाय एक्स माइनस ए, देन देयर एग्जिस्ट्स ए यूनिक रिमाइंडर जिसे हम आर कहेंगे, एंड यूनिक कोशेंट, ठीक है, सच दैट अब इसी रिज़ल्ट के मुताबिक हमारी जो डिवाइडेंट है वो हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू डिवाइज़र हमारी एक्स माइनस ए है, ठीक है, और क्वेश्चन को हम यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल कह लेते हैं, वो क्यू ऑफ एक्स है प्लस रिमाइंडर, ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब जो हमारा एक्स माइनस ए इज़ डिवाइज़र, ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो पुट करेंगे x माइनस ए इज़ इक्वल टू 0, फ्रॉम हेयर x इज़ इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स f ऑफ a इज़ इक्वल टू a माइनस ए क्यू ऑफ ए प्लस आर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 0 बचेगा, दिस इज़ इक्वल टू r। तो देखें स्टेटमेंट में वही आ गया कि f ऑफ a इज़ द रिमाइंडर, तो वो r आ गया, ठीक है, हैंस रिमाइंडर इज़ इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, तो ये तो था आज का ये रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अभी हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है, तो एप्लीकेशन से इसकी स्टेटमेंट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी हम एप्लीकेशंस देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ डिवाइडेड बाई दिस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, तो लेट करते हैं, दिस पॉलिनोमियल इज़ एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी हमारे पास पॉलिनोमियल जो है, तो जब हम जी ऑफ एक्स से इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, पुट x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0,
फ्रॉम हेयर एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, तो यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम वन पुट कर देंगे। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन का क्यूब प्लस फोर इंटू वन स्केयर माइनस टू इंटू वन प्लस फाइव, तो ये वन प्लस फोर माइनस टू प्लस फाइव, तो ये नाइन टेन, तो ये कितना हो जाएगा जी एट। तो दिस इज़ एक्चुअली रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर फाइंड हो गया जी बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो ये रिमाइंडर थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी हम सेकंड एप्लीकेशन भी देखते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एप्लीकेशन टू है कि हमारे पास कोई पॉलीनोमियल दी हुई है ना, उसमें कोई कांस्टेंट आ रहा हो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द पॉलीनोमियल एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स हैज़ ए रिमाइंडर माइनस फोर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। तो एक रिमाइंडर दिया भी हुआ, एक रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, तो दिस इज इक्वेशन वन, ठीक है। तो ये x प्लस टू को हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। पुट x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन वन है, इसमें हम ये x की वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो माइनस टू क्यूब प्लस के इंटू माइनस टू का स्केयर माइनस सेवन इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, तो ये माइनस एट, तो ये माइनस का स्केयर प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो फोर के प्लस फोर्टीन प्लस सिक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू फोर के, ठीक है। तो ये कितना ट्वेंटी हो जाएगा, ठीक है। तो ट्वेंटी माइनस एट प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसको हम आर वन कह लेते हैं, ठीक है। एक हमें रिमाइंडर दिया हुआ है, गिवन रिमाइंडर, गिवन रिमाइंडर, तो वो हमारे पास, उसको हम आर टू कह लेते हैं, वो हमारे पास है माइनस फोर, ठीक है। तो हम इन दोनों रिमाइंडर्स को अब हम इक्वेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वेटिंग आर वन एंड आर टू, ठीक है। तो ये फोर के प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस फोर, तो हमने तो के फाइंड करना है ना, तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फोर के इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस ट्वेल्व, ये हो जाएगा जी सिक्सटीन। तो फोर से डिवाइड करते हैं तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस फोर। तो ये वो कांस्टेंट था जो इक्वेशन के अंदर था और ये अननोन था, ठीक है। तो ये अननोन की वैल्यू ऑफ अननोन इन द गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ अननोन गिवन पॉलीनोमियल में फाइंड करने के लिए भी हमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए एक रिमाइंडर पहले गिवन होगा, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर अबाउट रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इसमें हमने एप्लीकेशन भी की, ठीक है, और इसमें इसका थ्योरम का प्रूफ भी किया, स्टेटमेंट भी देखी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।